वेलकम बैक। इस्लामाबाद इंतजामिया ने आजादी मार्च के लिए H9 में इतवार बाजार के करीब ग्राउंड मख्तस किया है। 100 एकड़ से जायद रकबे पर मुहित इस ग्राउंड में कल ऑपोजिशन का कंटेनर लगेगा। आजादी मार्च के शुरका से कयादत खिताब करेगी। ग्राउंड की सूरत हाल क्या है, क्या शहर इक्तदार का ये ग्राउंड 9 बड़ी सियासी जमातों के कारकुनान को संभाल पाएगा? अहम सवाल है, क्या इस ग्राउंड में इतनी गुंजाइश है कि धरने की सूरत में यहाँ लोगों को तमाम तर सहूलियात मैसर आ सके? इसका मोहल्ले हुकू क्या है? अगर ऑपोजिशन का एहतजाज तूल पकड़ता है, धरने की सूरत इख्तियार करता है, तवील धरना होता है, तो शहर के मकीनों को किस अजियत से गुजरना पड़ सकता है? क्या मसाइल है जिनका सामना हो सकता है? इन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी वहां पर पहुंचे और उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने क्या देखा, आपको भी दिखाता है। जी रेहान, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम की बहुत बहुत मुबारक हो, गुड लक एंड बेस्ट विशेस। दूसरे, आज मैं इधर पेशावर में अभी मौजूद हूँ और यहाँ से कुछ फासले पर जो है वो कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे कि वो जगह है जहाँ पर आज़ादी मार्च के शुरका ने आना है। तकरीबन ये 20 एकड़ पर मुहित एक प्लेन एरिया है जिसको CDA और ज़िले इंतज़ामिया ने मशीनरी के साथ प्लेन किया और जहाँ पर इंतजाम मुकम्मल हैं। लाइटिंग का भी माकूल यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। 10,000 के करीब गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश रखी गई है, लेकिन अब उसका अंदाज़ा तो मार्च के जो शुरका होंगे उनको देख के लगाया जा सकेगा कि उनकी गाड़ियों का काफिला कितना है। चूँकि अभी के जो अदाद शुमार हमें पता चल रहे हैं, तकरीबन 36 से 37 हज़ार के करीब गाड़ियाँ जो हैं वो इस वक्त उनके काफिले के साथ मौजूद हैं। तो गाड़ियों की पार्किंग का एक मसला हो सकता है, लेकिन कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं कि ये देखें, एक बहुत बड़ी खुला एरिया है, ये नर्सरियों का एरिया है, ये इसके साथ जो है वो 4 सेक्टर लिंक करते हैं। रिहायशी आबादी है जिसमें I-9 है और इसके अलावा I-8 है और दूसरी जानब जो है वो G-8 का इलाका है और G-9 का इलाका है। 4 सेक्टर जो है वो इसके साथ मिले हुए हैं और इसका संगम है और बिल्कुल सेंटर में जो है वो ये पेशावर मोड इंटरचेंज वाक़ है। ये कश्मीर हाईवे पे है। कश्मीर हाईवे जो है, अगर आपको दिखाएं तो ये जो कि इसमें सीधा जो ट्रैफिक आपको रमदावा नज़र आ रही होगी, वहाँ से वो सीधा जो है वो इस मार्च के जो जगह है वहाँ तक वो पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ही पड़ाव होगा और यहाँ पर ही जो है वो आप टेंट भी लगा सकते हैं। 20 एकड़ अराजी जो है वो काफ़ी खुला एरिया है। इसके अलावा यहाँ पर पूरी सड़कें भी हैं, इसके अलावा मज़ीद आसपास का इलाका जो है वो भी खुला है। यहाँ पर कोई शहरी आबादी नहीं, इसके साथ जो है वो यूनिवर्सिटी का एरिया शुरू होता है और साथ ही जो है वो पुलिस लाइन भी वाक़ है। लेकिन 2014 का धरना भी हमने देखा, कवर भी किया उसको, तो उसका अगर तजुर्बा आपको बताया जाए, आपके साथ शेयर किया जाए रेहान, तो बड़ा दिलचस्प है कि जिस तरह मशरूत तौर पर इस आज़ादी मार्च को जहां पर जो है वो जगह मिली और फिर NOC भी मिला और एक स्टाम्प पेपर पर मुआहदा भी तहरीर हुआ, उसी तरह का एक मुआहदा इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब से भी हुआ था और उन्होंने अपना पहला पड़ाव जो है वो आपारा चौक में किया था, जबकि इमरान खान साहब की जानिब से उनके साथ ही बिल्कुल जो ये कश्मीर हाईवे है उसमें जो है वो पड़ाव किया गया। लेकिन चंद दिन गुजरे, फिर ये काफ़िला जो है उस मुआहदे को तोड़ता हुआ आगे चला गया रेड जोन में और फिर 126 दिन का देखा हमने धरना था वहाँ पर, फिर एक हंगामा राय भी हुई, PTV पर हमला हुआ, पार्लियामेंट का जंगला तोड़ा गया और वहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो अंदर दाखिल हुए, फिर मुकदमात भी दर्ज हुए। तो उस वक्त भी मुआहदे की इस तरह से पासदारी नहीं हुई थी। ताहम इस वक्त जो है वो एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि वजारत दाखिला में वज़ीर दाखिला की सरबराही में एक अहम इजलास हुआ जिसमें चीफ कमिश्नर, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर, IG इस्लामाबाद और सिक्योरिटी इदारों
اداروں کے جو اہم نمائندے تھے انہوں نے وہاں پر شرکت کی ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب جو این او سی دیا گیا ہے اور جو شرائط ہیں، یعنی کہ اس جگہ پہ ہی دھرنے کے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے، اور جو راستہ دیا گیا ہے یعنی رواز سے ان کو مری روڈ اور مری روڈ سے پھر ڈبل روڈ کا راستہ استعمال کرتے ہوئے 9th ایونیو پہ آئیں گے، اور 9th ایونیو سے اسی راستے کے ذریعے جو ہے پھر وہ وہاں پہ وینیو پہ چلے جائیں گے۔ یہ سختی سے ہدایات ہیں، اور یہ آج کا جو جائزہ اجلاس تھا اس میں طے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے جو ہیں وہ 3,000 بنائے گئے ہیں، یعنی فرنٹ لین جو ہوگی، فرنٹ لیول جو ہوگا اس میں پولیس جو ہے وہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے گی۔ 20,000 سے زائد پولیس کی نفری ہے، جس میں اسلام آباد کے علاوہ آزاد کشمیر سے، ریلوے سے، اور اس کے علاوہ پنجاب سے جو ہے وہ مختلف اضلاع سے نفری منگوائی گئی ہے۔ رینجرز جو ہے وہ دوسرے لیول پر ہوگی، رینجرز کا سیکیورٹی کا حصار دوسرا ہوگا، جبکہ تیسرا جو سیکیورٹی کا حصار ہے وہ پاک فوج کا ہوگا، اور جتنی بھی اسلام آباد کی اہم عمارتیں، اہم تنصیبات ہیں، سینسٹیو عمارتیں ہیں، مقامات ہیں، ان کی سیکیورٹی پاک آرمی کے حوالے ہوگی، اور وہ اپنے وہاں پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ معاہدے کی پاسداری دونوں طرف سے ہوگی، اور یہاں پر پرامن جو ہے وہ اپنا احتجاج وہ لوگ کر کے پھر واپس چلے جائیں گے۔ جی